Happy anniversary to mommy and papo. रुको तुम्हारी तुम्हारा बर्थडे नहीं है मम्मी पापा की एनिवर्सरी ठीक है तुम मत ब्लो करना रुको कर लिया एंड मम्मी जा रहे परब धाम वहाँ पे दो तीन और भी मम्मी की फ्रेंड्स है साथ में गांव में से डोशी है तो बस मैं अभी मम्मी को छोड़ने जा रही हूँ गांव में जब ये टीम का मिल्किंग बाकी है वो आके करूँगी अभी ओम को भी वापस छोड़ने जाना होगा लेकिन ओम को 9 बजे जाना होगा एंड मम्मी को अभी गांव में से फिर वहाँ से वो निकल जाएंगे आगे बाय बाय तो अभी मैं मम्मी को छोड़ के वापस जा रही हूँ घर और यही रास्ता है जहाँ पे जब मानसून में बहुत ज़्यादा पानी आता है तो यहाँ पे होता है एंड मम्मी आई थिंक 2 या 3 दिन में आ जाएंगे वापस एंड अभी जाके सारा अभी मैं राम देखो ना ओम को भी उठाऊंगी वापस ओम को भी अभी छोड़ने आना पड़ेगा लेकिन राम दे आएगा शायद 9 बजे और सुबह सुबह थोड़ी थोड़ी ठंड है और बहुत अच्छा लगता है जब पहले स्कूल जाते थे तब साइकिल लेके जाते थे ऐसे गेहूँ बहुत ही लंबे हो चुके हैं आप देख सकते हो राम राम सीताराम अभी मॉर्निंग में गाजर निकालने का काम चल रहा है रामदेव का जो रूटीन होता है वो स्टार्ट हो गया वापस कटिंग का ग्रास जैसे बैठे बैठे थोड़ा पेट भर जाता खाना ज़्यादा खिला दिया था हल्दी वाला दूध और सब वगैरह अब तो सब कुछ बंद हो गया तो पेट थोड़ा सा बढ़ गया रज को मैंने काट लिया तोरी के लिए
बाकी के ज्वार काटी है, कुछ बाजरी काटेंगे और गाजर। फिर जाना है मुझे बाहर भी, तो ये थोड़ा मॉर्निंग का काम कर दूँ तो भारती को इतनी हेल्प हो जाएगी। ओम को छोड़ के आया रामदेव। एंड जैसे मेरा रोज़ काम होता है, जब रामदेव खेत में सुबह सुबह कुछ काम करता होता है, कर रहा होता है तो फिर मैं आती हूँ हेल्प करने के लिए या आप डिस्टर्ब करने के लिए। ये बात अपने दिल पे हाथ रख के बोले ठीक है। जब मैं काम करता हूँ तब भारती नहीं करती, जब मैं कुछ नहीं करता या बाहर होता हूँ तो वो सीरियस करती है काम। हाँ एंड आज हमारी हैप्पी एनिवर्सरी है, हैप्पी एंगेजमेंट एनिवर्सरी। 12 साल हुए हैं हमारी सगाई को, खत्म हो गए। तो लेटर ऑन कुछ सेलिब्रेशन करेंगे, भारती मुझे कुछ गिफ्ट विफ्ट दे देगी। हाँ अभी मैंने मंगवाया है गिफ्ट, रास्ते में है, आ जाएगा 1-2 महीने में। अच्छा 1-2 महीने लग जाएंगे, तब तक तो शादी की सालगिरह भी आ जाएगी दोनों साथ में। नहीं आई थिंक रामदेव पोरबंदर जाएगा तो केक लेके आएगा। पहले हम सोच रहे थे कि सब जाए, लेकिन थोड़े दिन बाद जाएंगे, आज मम्मी भी नहीं है घर पे, सो इसलिए आई मीन केक वाज का क्लीन। देयर इज वन मोर केक ओवर देयर, क्लीन दैट केक, व्हाट कब हो जाएगा? व्हाट आर यू डूइंग? तो अभी रामदेव गया है बगोदर, मैं ओम को लेके आई हूं। ओम आ गया है वापस, है ना? मैं तो ही गया, अभी ही आ गया हूँ मैं। मैं तो गया यहाँ पे, ये चारा रेडी हो चुका है सबके लिए, है ना? अभी ओम का खाना भी मुझे बनाना है रोटी, ठीक है? ओके अभी गरम गरम रोटी खानी है ना तुम्हें? ओके हे चलो। अभी ओम का खाने का टाइम है, ओम के लिए गरम गरम रोटी बन गई है ना? yes. और कल हमने बनाई थी ये ड्रम स्टिक की सब्जी, तो वो भी बची हुई है। यहाँ पे पिकल है, ये रेड वाला रेड चिली का। यहाँ पे बादाम मैंने इवनिंग को भिगो के रखे थे, तो आज एनिवर्सरी है तो रामदेव को बादाम केक बहुत पसंद है, तो आज मैं ये ट्राई करने वाली हूँ पहली बार। तो इसके ऊपर की ये स्किन निकाल के, ये जो गरम मैंने दूध रखा है उसमें से ही मैंने थोड़ा सा दूध लिया, तो वो इसमें डाल के फिर मिक्सचर में ये बादाम पूरे मिक्स कर देने, अच्छे से ग्राइंड कर देने। तो अभी ये सारे बादाम के ऊपर की स्किन निकाल दी है मैंने, तो अब ये पूरा बादाम का पेस्ट बन चुका है, वो मैं अभी जो दूध है उसमें डाल दूंगी। सो अभी 3:30 बजे, बहुत ही हेल्दी फूड वेजिटेबल खाते हैं मैं एंड पापा, वो है टमेटोज, सीधे हमारे क्यारे में से लेके फ्रेश वाले, मसाला डाल के बहुत ज़्यादा और ये वेट लूज के लिए भी अच्छे, वेजिटेबल्स खाओ। थोड़ा खट्टा लगता है ना और ये जो हमारे खेत के टमेटोज है वो खट्टे मीठे है, लेकिन बहुत ही टेस्टी होते हैं ज़्यादा, जो बाहर से लेके आते हैं उसमें ऐसा टेस्ट नहीं आता, क्योंकि कुछ दवाई मिलावट वाले होते या फिर कच्चे तोड़ के फिर रख देते, लेकिन ये फ्रेश सीधा क्यारे में से लेके सीधा तोड़ के खाते तो बहुत टेस्टी होते हैं। कोई पानी के धोवाने की कोई जरूरत ही नहीं है कि सीधा लेके सीधा इधर मोड़ते हैं। 10-12 तो खा जाते हैं, 10-12 मैं खा जाती हूँ, 10-12 पापा खा जाते हैं। रामदेव आई थिंक अभी बगोदर हेयर कट करवा के आएगा वापस, पोरबंदर कुछ काम था। एंड मम्मी का फ़ोन आया था, वो जूनागढ़ से अभी निकले हैं पर अब जाने के लिए। 3 महिलाएं हैं यहाँ से साथ में, दूसरी 2 आई भी है, 2 या 3 दिन रुकेंगे शायद। ये टमेटोज देखने में अच्छे नहीं लगेंगे, देख के लगता है कि ये अच्छे नहीं है, लेकिन जो बाहर से लेके आते हैं वो पूरे रेड, देख के बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन अंदर से कुछ नहीं होता, लेकिन इसकी मिठास अंदर ये देख के इतना नहीं लगता कि इतना मीठा होगा अंदर से। सो ऑलवेज बाहर के लुक पे ध्यान ना दे और अंदर का लुक का ध्यान रखे। अभी यहाँ पे ओम का नया दोस्त आई है ना,
अभी क्यूटी इसकी मम्मी के साथ खेल रहा है, घूम रहा है खेत में। ये आया है अभी। आजकल बहुत ही ज्यादा बच्चे आ गए हैं ना, एंड अगर किसी को चाहिए तो ऐसे और तीन बच्चे हैं, पपीस है ना, और तीन पपीस है हमारे पड़ोस में ही है। सो ये यहाँ से लेके जा, नहीं देना तुमको, रखना है। हाँ दूसरे दिन है वो दे देंगे, ठीक है। नहीं किसी को नहीं देना। मैं मुझे खबर किया के दुआई हो तो नहीं के दुने सो अगर किसी को, हाँ सो अगर किसी को चाहिए ये पपीस, सो इसको फैमिली की जरूरत है ना, तो ये क्यों पड़े तो वहाँ कांधन वाली है आप ही क्या दे वो हाँ ताऊ वाइक मिसुरन ने क्या तो रामा बच्चे में चाय मिले चाय ही थोड़ी पीते ही थे। अब यहाँ पे ओम अपना होमवर्क कर रहा है और ये छोटू यहाँ पे बैठा है। नहीं, होमवर्क का वीडियो देख रहा है। ओके। व्हाट्सएप में। अभी रामदेव आया है तो भेल लेके आया है, एंड यहाँ पे मैंने आज जो बनाया था बादाम, थोड़ा सा ज्यादा ठीक हो गया था। अच्छा बना। ठीक है। अच्छा बना। ओम तो खाता नहीं भेल है ना। खाना खा लिया है सब पीने, अभी सब लोगों ने अभी मम्मी नहीं है आज, मम्मी गए हैं परब धाम। अभी बात हुई थी मम्मी से, अभी फोन पे बात। और ओम बोला था कि मम्मी के लिए केक यहाँ पे हम रखना पड़ेगा, फ्रीज में रख देंगे जब आएंगे तब। ओम ने बोला कि आई के लिए भी रखना पड़ेगा, इसलिए पांच कैंडल लगाई है। मैंने दो ही लगाई थी तो बोला था, अभी हम पांच लोग हैं। अभी ओम से रहा नहीं जा रहा है, सबसे ज्यादा एक्साइटेड ओम होता है केक को देख के है ना। 12 साल खत्म हो गए सगाई, एंगेजमेंट एनिवर्सरी है, 12 साल हुए। चलो तुम से भी यूनिवर्सिटी स्टार्ट करो, तभी होगी। Somebody? No, mommy and papa, you can say. Happy birthday! Happy anniversary to mommy and papa. Happy anniversary, happy anniversary. Thank you. फिर ओम केक तो खाएगा नहीं, क्योंकि ओम को केक बिल्कुल पसंद नहीं है। रेडी रुको, तुम्हारा बर्थडे नहीं है मम्मी पापा के एनिवर्सरी, ठीक है, तुम मत ब्लो कर दो। रुको कर दो, कर दो, रुको ये पार दे, रुको कर दो। ओके तुम कर दो, चलो एक बाकी है। हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी बर्थडे टू ओम, हैप्पी बर्थडे टू ओम। का बर्थडे 4-5 बार आता है एक साल में, है ना। बस हो गया, वो ये तो इजी था शायद। तभी देख लेते हैं, निकलो मशक्का। ओम तो नहीं खाएगा शायद, के खाएगा नहीं, जस्ट हाफ केक। And they don't show bread. रोटी खाने से पहले याद ही नहीं दिया था केक का, वरना रोटी खाता ही नहीं। ये था केक काटना ही। तो जा रहा अभी घर पर। आज रोटला खा लिया अच्छे से, है ना? Yes? हाँ, रोटला, रोटली नहीं। ये जो हमने ब्लेस इम्प्रिंट स्टूडियो में राजकोट में करवाया था हैंड इम्प्रिंट, वो है। ये ओम का हाथ है, अभी लाइट ये मम्मी का हाथ है, क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा। ये बापू, ये मम्मी और ये मेवा। हाँ, और जो ओम के लेग्स के थे वो भी रेडी हो चुके हैं, बाकी सारे फोटो लगे हुए हैं इसके चारों तरफ। हाँ। क्योंकि अभी लाइटिंग की वजह से नहीं दिख रहे इतने अच्छे। हाँ, लेकिन बहुत ही अच्छे से मेवा, मम्मी, बापू।
जब मेरे भी था तो वो ओके अभी केक खाना है ना तुमको और पापड़ी वाला भी असल में ओ मैं ओ बापो सो इसी के साथ ये वीडियो करते हैं यहां पे खत्म अभी ओम केक खाएगा मैं ओ बापो लिसन बाय बाय बोल दो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक बाय बाय लेट मी डू समथिंग